बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने जो प्रारंभ कर रखी है, आज हम संविधान सभा की प्रकृति, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। आशा करता हूँ साथियों, इससे पहले के वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। अब साथियों, अगर वीडियो देखे हैं तो आपको PPT या फिर PDF वगैरह मिल गई होगी, तो आशा करता हूँ साथियों आपने उसका रिविजन जरूर किया होगा। आज साथियों हम जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं, अब इसमें आपको पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब साथियों, इन सभी जो PDF आप यहाँ पर देख रहे हो, PPT जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे संबंधित आपको क्या है, नोट्स मिल जाएंगे रिविजन करने के लिए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, छोटी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि ये जितने भी आप PPT देख रहे हो, इसमें प्रत्येक टॉपिक का PDF आपको मिल जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर जो पॉलिटी की बेस्ट बुक से संबंधित हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें बुक रिव्यू किया गया प्रत्येक सब्जेक्ट की, और उसमें पॉलिटी भी शामिल है, तो उसका PDF आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं साथियों, आज संविधान सभा की प्रकृति, जो कि भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। आज साथियों सबसे पहले हम इसकी प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स नेचर, यानी साथियों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसका नेचर कैसा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। संविधान सभा की प्रभु सत्ता का प्रश्न, यहाँ पर साथियों, यहाँ पर संविधान सभा से संबंधित सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि संविधान सभा के गठन और उसके क्रियान्वयन के तुरंत बाद संविधान सभा की स्थिति के संबंध में एक विवाद शुरू हो गया और आज भी जारी है। अब कौन सा विवाद है, जारी है आज भी, तो ये है साथियों, विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को चुनौती दे डाली। इस पर संविधान सभा में भी काफ़ी विवाद हुआ था उस समय भी साथियों, और आखिर में क्या हुआ साथियों, संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों ने प्रतिबंधों एवं अनावश्यक जो विवाद थे, उन विवादों को शांत करने के लिए संविधान सभा की प्रभुसत्ता पर बल दिया। तो ये साथियों आपके लिए है कि विंस्टन चर्चिल है, उसने भी संविधान सभा को उस समय चुनौती दे डाली थी और उसी कारण विवाद भी चलता रहा था। इसी विवाद से जुड़ा हुआ जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान दिया, क्या बयान था साथियों, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी और ताकत के मिलते ही हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। यानी इसी विवाद से जुड़ा हुआ उन्होंने क्या किया, एक बयान दिया, बोला कि आज़ादी मिलने के बाद और जो ताकत हमें मिली है उसके बाद जिम्मेदारियां हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उन जिम्मेदारियों को हम किस प्रकार से निभाएंगे, यानी संविधान सभा को इन जिम्मेदारियों को निभाना होगा या निभाएगी संविधान सभा। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे, संविधान सभा एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है, वह देश के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। इस विचार के अनुसार संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुत्ता को प्रदर्शित करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा। यानी साथियों आपने देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि चाहे विदेशी कोई भी शक्ति हो, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो या अन्य कोई भी सत्ता के कहने पर या उसके आदेश से हमारी संविधान सभा भंग नहीं होगी, संविधान का निर्माण करेगी और ये अपने कार्य में लगातार इसी तरह बढ़ती जाएगी। यानी बाहरी किसी दबाव में आकर हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। संविधान सभा को तभी भंग किया जाएगा जबकि सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे एवं संविधान सभा ने सभा संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचन सभापति को दे दी। अब साथियों यहाँ पर क्या है, अगर 2/3 बहुमत से अगर संविधान सभा के सभी सदस्य बोल दे कि भाई नहीं, हमें संविधान सभा भंग करनी है, तब तो हो सकता है, लेकिन बाहरी किसी भी शक्ति से इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाएगा। संविधान सभा का प्रतिनिधि स्वरूप,
यहाँ पर साथियों सबसे पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि संविधान सभा की आलोचना के अनुसार संविधान सभा में जनसाधारण के प्रतिनिधि नहीं थे। इनका मतलब ये हुआ कि सदस्यों का चुनाव देश के सभी वयस्क जो मताधिकार थे, नागरिक थे, जो मत देने का अधिकार जिनके पास था, इनका कोई भी यहाँ पर रोल नहीं था, ऐसा इनका मानना है। अगर गौर से देखा जाए तो साथियों ये बात मन में आती है या मन में हम लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान सभा को प्रतिनिधि संस्था नहीं माने। हम मानेंगे जरूर, लेकिन वहाँ पर क्या है, कुछ जो महत्वपूर्ण लोग जिनका उस समय प्रभाव ज़्यादा था उन्हीं का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में साथियों देखेंगे आप संविधान सभा में लगभग सभी संप्रदाय के प्रतिनिधि शामिल थे, यानी सभी संप्रदाय के प्रतिनिधि अगर शामिल है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सभी संप्रदाय शामिल है, सभी धर्म शामिल है, सभी लोगों के प्रतिनिधि उसमें शामिल है। कांग्रेस की प्रधानता, अब साथियों कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस की प्रधानता रही है भारतीय संविधान में, तो कांग्रेस की रहेगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि साथियों कांग्रेस ने उस समय की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस की तुलना उस समय की कांग्रेस से मत कीजिए आप, और हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं साथियों उस समय के भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख दल कौन सा था। कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक से अधिक प्रतिनिधिक स्वरूप प्रदान करने की हर संभव कोशिश की। संविधान सभा में कई ऐसे व्यक्तियों का निर्वाचन हुआ जो कांग्रेस से लेना देना नहीं रखते थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इनका संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। एके अय्यर है साथियों, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि इसमें शामिल थे। इन व्यक्तियों ने संविधान सभा को तकनीकी आधार प्रदान किया, यानी आधार वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे उसमें। संविधान सभा के जो संविधान का निर्माण कर रही थी साथियों उनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है या फिर एके अय्यर है, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह, इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था भारतीय संविधान को बनाने में। तो संविधान के मूल स्वरूप का निर्माण करने, उसको दार्शनिक आधार देने तथा उसे उद्देश्यपूर्ण बनाने में इन व्यक्तियों तथा इनकी जो सामाजिक व व्यवसायिक पृष्ठभूमि थी उसका निर्णायक भूमिका रही, यानी उसकी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है भारतीय संविधान में। इस संबंध में सभा के अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र इस बात से ही लिया जा सकता है कि संविधान सभा के जो सदस्य लीग के टिकट पर चुने गए थे उन्होंने क्या किया साथियों, उन्होंने भी भारत के विभाजन के बाद भारत में ही रहना पसंद किया, क्योंकि इन जो मुस्लिम लीग के थे उन्होंने भी संविधान सभा बनने के बाद और संविधान निर्माण होने के बाद में क्या किया, उन्होंने बोला भाई हमें पाकिस्तान में नहीं जाना, जिसको जाना है वो जा सकता है, हम भारत में ही रहेंगे और हम भारतीय हैं। तो इस तरह का उनका निर्णय बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे कि रहना पसंद किया तथा उन्होंने क्या किया, संविधान सभा की सदस्य जो है वो ले ली। और लीग के प्रतिनिधि कौन थे साथियों, मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, ये साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। कानून के जो प्रकांड विद्वान थे उन विद्वानों का बोलबाला माना जाता है, क्योंकि कानून के जो काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें, इसीलिए वकीलों का स्वर्ग भी भारतीय संविधान को माना जाता है क्योंकि वकील सबसे ज़्यादा थे इसमें। तो संविधान सभा में कानून के बड़े विद्वान थे जैसे एके मुंशी, साथियों एके मुंशी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और उसके बाद में कृष्णा स्वामी अय्यर, ठाकुर दास भार्गव आदि शामिल थे। ये सभी व्यक्ति ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, साथ ही वे न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत में भी आस्था रखते थे एवं मौलिक अधिकारों में भी
उनका समर्थन था। तो ये साथियों आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो संविधान सभा के वाचन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो साथियों संविधान सभा के वाचन, तो यहाँ पर सबसे प्रथम वाचन और उसके बाद में समय अवधि लिखी है। तो यहाँ पर प्रथम वाचन साथियों 9 से 23 दिसंबर 1946, द्वितीय वाचन 20 से 25 जनवरी 1947, तृतीय वाचन कब हुआ था साथियों, वैसे इनका कोई भी आपको डेट नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से, प्रथम वाचन कब हुआ था, तो 9 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम वाचन। अंतिम वाचन का भी आपसे पूछा जाए तब ये साथियों 14 से 26 नवंबर 1949 को, क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे तो साथियों आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये दिसंबर 1946 में प्रथम वाचन हुआ था, अंतिम हुआ था 1949 में हुआ। इसके बीच साथियों यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 11 बार संविधान का जो वाचन है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। संविधान बनने में कितना समय लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बता दिया है या फिर समझाया था। पीडीएफ आपने अगर डाउनलोड कर लिए तो रिवीजन भी उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। संविधान सभा की समितियां एवं उनके प्रमुख, अब समितियों के प्रमुख कौन है साथियों, तो संविधान सभा की समितियां एवं उनके प्रमुख, तो समितियों के नाम इस साइड में दिए गए हैं साथियों, और एक साइड में उन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रमुख कौन थे, वो जानकारी दी गई। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके प्रमुख थे। संचालन समिति साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पार्टी, प्रत्यक्ष ये पत्र समिति ये है साथियों आपके अलादिकृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति साथियों ये थे बी पटाबी सीतारमैया। उसके बाद में कार्य संचालन समिति ए के मुंशी और तदर्थ तथा झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं तो साथियों इन्हीं में समितियों के नाम और प्रमुख देख लेते हैं। तो संविधान सभा का कार्य की जो समिति थी वो थी साथियों, उसके प्रमुख थे आपके श्री जी वी मावलंकर। संविधान सभा की जो कार्य समिति थी उसके अध्यक्ष कभी कभी एग्जाम पूछे जाते हैं। प्रांतीय समिति जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं दूर जो क्षेत्र है उनके लिए सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अल्पसंख्यक मामलों के लिए उप समिति बनाई गई साथियों, अच्छी महत्वपूर्ण थी इसकी। और मूल अधिकारों के लिए उप समिति जे वी कृपलानी, और मूल अधिकार के लिए साथियों यहां पर आप देखिए मेन के कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, और उप समिति के थे आपके जे वी कृपलानी। उसके बाद में साथियों उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र तथा असम के दूरस्थ एवं आर्थिक जो देखेंगे दूरस्थ क्षेत्र के लिए उप समिति बनाई गई थी साथियों, वो थे गोपीनाथ बोरदोलई। तो उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखिए संघीय कार्य समिति में जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय समिति जो संघीय संविधान समिति है उसके भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हमारे द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल यानी नोट्स को भी आप बार बार रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ, तब तक आप इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।